गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई, कहाँ चले गए आप लोग? तो आज हम आपको जर्मनी का एकीकरण बताएंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण। लास्ट क्लास में इटली का एकीकरण बताए थे, आज की क्लास में जर्मनी का एकीकरण बताना है। तो ये आप देखें, मैप अगर आप देखें तो जर्मनी का एकीकरण से पहले, जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी ये है, और इधर इटली है, ये इटली है, ये पोर्शन जर्मनी का है। और जर्मनी छोटे छोटे अनेक स्टेट्स में डिवाइडेड था। इधर फ्रांस है और इसके बगल में ऑस्ट्रिया हंगरी है बेटे, ऑस्ट्रिया हंगरी। और इधर ये पोलैंड है। तमाम देश हैं यूरोप के जर्मनी के एकीकरण। ये मैप आप देखें, इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा जर्मनी एकीकरण से पहले, देखिए प्रशा, ये प्रशा का स्टेट है, प्रशा इसको कहा गया है। ये इस तरह से प्रशिया है, जर्मनी के एकीकरण में प्रशा का विशेष योगदान था। तो ये प्रशा है, इसको हिंदी में प्रशा लिखा जाता है बेटे, प्रशिया भी लिख सकते हैं। बाकी ये सैक्सनी है, सैक्सनी, अब सैक्सनी का अधिकांश पार्ट ऑस्ट्रिया के अंडर में था। बोहेमिया भी है, ये बोहेमिया है, सैक्सनी है, और बवेरिया है, ये बवेरिया है, ये बहमनी है, बोहेमिया, ये बोहेमिया है ऑस्ट्रिया के अंडर में। और इधर वॉर्ट है बेटे, वॉर्ट है। इधर हैनोवर है, ये हैनोवर स्टेट है, हैनोवर। तो तमाम अलग अलग किंगडम्स थे, और जर्मनी में एकीकरण के पहले टोटल 39 स्टेट्स थे। इन 39 स्टेट्स में अलग अलग मेथड ऑफ मेजरमेंट था,
नापने के अलग अलग मेथड्स थे। तो इस तरह से ये तमाम स्टेट्स हैं, इन तमाम स्टेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जर्मनी एकीकरण से पहले अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1848 से 1914, जर्मनी का एकीकरण। तो ये थोड़ा सा छोटा कर दिए इसको, बड़ा आ भाई ये यहां से बताते हैं। राम जी कुमार सर, क्या मैं लाइव हूँ? बिल्कुल राम जी, आप लाइव हैं। और मेरा आज का वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। राम जी कुमार, बिल्कुल आप लाइव हैं, डोंट वरी, हम भी लाइव हैं, आप भी लाइव हैं। आज 1 नवंबर हैं, तो नवंबर 1 है, कल 31 अक्टूबर था। तो आप बिलीव मी, हम आप लाइव ही हैं, चिंता न करें। तो ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मनी का एकीकरण। अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बस स्टार्ट करने वाले हैं। जर्मनी का एकीकरण क्यों जरूरी था? तो बेटे, जर्मनी का एकीकरण इसलिए अनिवार्य था, इसलिए जरूरी था, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। जर्मनी में कुल 39 यानी 39 स्टेट्स थे। सभी स्टेट्स में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस था, सभी स्टेट के अपने अपने अलग अलग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट थे। इटली का एकीकरण पहले बता चुके हैं, इटली के एकीकरण से जर्मनी में भी एकीकरण की भावना जर्मनी के लोगों में घर कर गई। इटली के पैटर्न पर जर्मनी के लोग भी एकीकरण चाहते थे। इस तरह से जर्मनी के लोगों में जर्मन राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। दूसरा कारण और भी है, 1815 में फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार चुका था। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के हार जाने के बाद यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, ब्रिटेन, ये यूरोप में ताकत अपनी जमाना चाहते थे। वे चाहते थे कि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद फ्रांस का अधिकांश पार्ट उनके पास आ जाए। रशिया भी यही सोचता था, ब्रिटेन भी यही सोचता था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी यही सोचता था। प्रशा जो कि जर्मनी का एक स्टेट था, एक किंगडम था, वह भी चाहता था कि यूरोप में उसे अधिक से अधिक ताकत मिल जाए। तो जर्मनी का एकीकरण जर्मन लोगों के लिए राष्ट्रीयता की भावना से कम नहीं था। जर्मनी में क्रांति इत्यादि जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तो जर्मनी का एकीकरण बेटे 1848 से 1914, हालांकि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। जर्मनी 1848 में यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ स्टार्ट हो गईं और 1914 में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हो गया। जर्मनी की एकता के बाद, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी एक ताकतवर देश के रूप में उभरा। जर्मनी का पुराना नाम प्रशा था।
आटुहान बिस्मार्क का अगर नाम सुने हूँ, आटुहान बिस्मार्क प्रशा के किंग फ्रेडरिक द ग्रेट का प्राइम मिनिस्टर था। फ्रेडरिक द ग्रेट प्रशा के किंग जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान उनके प्राइम मिनिस्टर आटुहान बिस्मार्क का नाम आता है, जिसने पॉलिसी अडॉप्ट किया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह एवं रक्त की नीति। यूरोप के तमाम ताकतों के खिलाफ आटुहान बिस्मार्क ने जर्मनी का एक संघ बनाया, जर्मन कॉन्फेडरेशन, और उस जर्मन कॉन्फेडरेशन को राइन कॉन्फेडरेशन भी कहा जाता है। इस जर्मन कॉन्फेडरेशन के द्वारा प्रशा के प्राइम मिनिस्टर आटुहान बिस्मार्क कई देशों को अपने साथ मिला करके देन ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्योंकि अधिकांश पोर्शन जर्मनी का अधिकांश पोर्शन ऑस्ट्रिया हंगरी, डेनमार्क, फ्रांस इत्यादि देशों के पास था। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पीडीएफ के थ्रू बताते हैं। यूरोप में कोई भी कार्यक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना जर्मनी का एकीकरण। देखें, समझ गए होंगे पॉइंट, यानी जर्मनी का एकीकरण बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था यूरोप में। नो इवेंट इन यूरोप वॉज एज इंपॉर्टेंट एज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, है ना। अब जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवाद का होना अनिवार्य था। आप समझ सकते हैं राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के रिसोर्सेज के लिए, अपने देश के समाज धर्म इत्यादि के उत्थान के लिए लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, यह प्रमुख कारण होता है किसी भी देश के क्रांति में या एकीकरण में। देखिए, राष्ट्रवाद एक भावना और वफादारी है जो लोगों को खुद को एक राष्ट्र के रूप में सोचने का कारण बनता है। राष्ट्रवाद एक भावना है, वफादारी है, और लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक होने के लिए सोचता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनलिज्म का मीनिंग यही है, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग बिलोंगिंग अ लॉयलिटी कॉजेस पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ नेशन। तो राष्ट्रीयता की भावना ये आना बड़ा अनिवार्य है। और क्या है नेशनलिज्म, आप देखें आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली शक्ति थी जो कई अलग अलग देशों में से एक राष्ट्र बनाए। राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली शक्ति थी जो कई अलग अलग देशों में से एक राष्ट्र बनाए। कई अलग अलग देशों से एक राष्ट्र बनाए, कई देशों में एक राष्ट्र को तोड़ दिया जाए, कई देशों में एक राष्ट्र को तोड़ दिया जाए और कई देशों को, अलग अलग देशों को एक राष्ट्र बनाए। अब देश का मतलब यहाँ स्टेट होगा बेटे, जैसे मान लीजिए एक देश है उसमें कई स्टेट हैं और वो कई स्टेट मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करें, या एक राष्ट्र है उनके कई स्टेट हैं उन स्टेट को तोड़ दिया जाए तो अलग अलग स्टेट के रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो राष्ट्रीयता की भावना डेवलप करने के लिए राष्ट्र के सभी स्टेट को एक करना, सभी स्टेट के लोगों की फीलिंग को जोड़ना, सभी स्टेट के लोगों को एक मंच पर ले आना, सभी स्टेट के लोगों को एक लैंग्वेज, एक धर्म या एक चीज की सिफारिश करना, जैसे अखंडता, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले लोगों को एक करने का प्रयास किया था। और ये हैं कौन,
ये हैं प्रशा, प्रशा के किंग का नाम है ये फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रशा का किंग है बेटे ये फ्रेडरिक महान, प्रशा के राजा हैं ये। इन्होंने प्रयास किया था पूरे देश को एक करने में, प्रशा का किंग, प्रशा जर्मनी के कुछ किंगडम को कहा गया है, तो प्रशा का राजा फ्रेडरिक महान था ये, जिसने जर्मनी के अलग अलग स्टेट को एक करने का प्रयास किया था। हालांकि चाहता तो प्रशा को एक देश के रूप में शासन कर सकता था, लेकिन इसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हुई। इसने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑटोवान बिस्मार्क को यह जिम्मेदारी दिया कि वह जर्मनी के अलग अलग स्टेट को कंबाइंड करके एक राष्ट्र के रूप में ले आए। एक राष्ट्र के लिए सब कुछ अनिवार्य होता है, सब देशों का योगदान, मैंने सब स्टेट का योगदान, स्टेट में रहने वाली पॉपुलेशन का योगदान, बाहरी ताकतों के खिलाफ इकट्ठा हो, एकता, समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, ये सब एक करना, तीनों ने सबसे पहले वीणा उठाया। याद रखें फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रशा का किंग। अब देखिए और भी हैं राष्ट्रवाद की बातें, और आगे हम आपको बता रहे हैं। एक ये है स्वतंत्रता का कारण, राष्ट्रवाद का मतलब स्वतंत्रता का कारण भी होता है। नेपोलियन के अभियानों से पहले जर्मनी को सैकड़ों स्वतंत्र चरणों और शहरों में विभाजित किया गया था, ये वही नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का किंग था ये, बड़ा ही क्रांतिकारी किंग था और बड़ा ही ताकतवर किंग था ये। अभियानों से पहले जर्मनी को सैकड़ों स्वतंत्र चरणों शहरों में विभाजित किया गया था। लोगों ने कहा कि वे जर्मन थे, उनमें राष्ट्रीय पहचान की भावना बहुत कम थी। यानी नेपोलियन के आक्रमण से पहले, अभियान से पहले लोगों ने कहा कि उनमें राष्ट्रीयता की पहचान की भावना बहुत कम थी। याद रखें जर्मनी में लोगों ने कहा कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना की पहचान बहुत कम थी। इसके आक्रमण अभियान से पहले की बात है। अब आप देखिए नेपोलियन जो था 1815 में, हला 1794 से नेपोलियन का शासन इस समय तक था फ्रांस में, 1794 से 1815 तक फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था। नेपोलियन बोनापार्ट के अभियान से पूरा वर्ल्ड दहशत में आ गया था। चार देशों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हराया था। वाटरलू की लड़ाई 1815 में लड़ी गई थी। वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन के नेतृत्व में प्रशा, ब्रिटेन, प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, चारों देशों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में बुरी तरह से हराया था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद फ्रांस को हैनोवर डायनेस्टी के अंडर में कर दिया गया और नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन ने बंधक बना लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट को जहर देकर मार दिया गया था। विश्व का महान किंग नेपोलियन बोनापार्ट की मौत बड़ी दर्दनाक थी। ब्रिटेन ने सेंट हेलेना आइलैंड में बंदी बनाया और फिर बेटे उसको जहर देकर मार दिया। तो विश्व का महान किंग नेपोलियन बोनापार्ट की मौत बड़ी दर्दनाक थी। वाटरलू आज की डेट में बेल्जियम में है। वाटरलू की लड़ाई 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। नेपोलियन के हारने के बाद वियना कांग्रेस बुलाया गया था। वियना कांग्रेस 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जिसका नेतृत्व, जिसका लीडरशिप मैटरनिक कर रहा था, तो ये वही नेपोलियन बोनापार्ट है। तो नेपोलियन के अभियानों से पहले जर्मनी को सैकड़ों स्वतंत्र चरणों और शहरों में विभाजित किया गया था। लोगों ने कहा कि वे जर्मन थे, उनमें राष्ट्रीयता की पहचान की भावना बहुत कम थी। नेपोलियन के युद्ध, नेपोलियन के युद्ध भी जर्मन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में काफी योगदान दिया था बेटे, नेपोलियन वॉर्स। तो जर्मनी को एकीकरण के सूत्र में बांधने में
नेपोलियन का भी बड़ा योगदान है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में फ्रांस और शेष यूरोप के बीच युद्ध छिड़ गया। 18वीं शताब्दी के दशक अंतिम दशक में फ्रांस और शेष यूरोप में युद्ध छिड़ गया था। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की सेना पूरे जर्मन राज्य को जीतने और नियंत्रित करने के लिए मजबूत थी, यानी नेपोलियन सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की सेना बड़ी स्ट्रांग थी बेटे, पूरे फ्रांस को पूरे जर्मनी को जीत सकती थी। तो 18वीं शताब्दी में नेपोलियन बोनापार्ट बेहद स्ट्रांग था, पूरे जर्मनी को जीत सकता था। आगे देखिए नेपोलियनिक वार में नेपोलियन ने जर्मनी को 39 बड़े राज्यों में पुनर्गठित किया। नेपोलियन ने जर्मनी को 39 बड़े राज्यों में, यही हैं बड़े बड़े स्टेट, 39 स्टेट्स थे। नेपोलियन ने जर्मनी को 39 बड़े बड़े राज्यों को पुनर्गठित किया, क्योंकि नेपोलियन का अभियान भी जर्मनी पर हुआ था। उन्होंने 16 जर्मन राज्यों के लीग ऑफ राइन की स्थापना भी की। 16 इनमें से 16 मिलकर के लीग ऑफ राइन्स का गठन किया था, है ना, लीग ऑफ राइन्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, लीग ऑफ राइन्स, 16 जर्मन स्टेट मिलकर बनाए थे। और याद रखें बेटे, इसने जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया, लीग ऑफ राइन 16 राज्य जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे नेपोलियन को सबसे पहले 1813 में लीपजिंग में और फिर 1815 में वाटरलू में, जो भी आपको बताए थे, नेपोलियन बोनापार्ट जो था 1813 में लीपजिंग, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हराया गया, जिससे राइन परिसंघ का अंत हो गया। राइन लीग ऑफ राइन बनाया गया 16 स्टेट के द्वारा, जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था। लेकिन बड़े ये दो लड़ाई लड़ा नेपोलियन, दोनों लड़ाई में नेपोलियन हार गया। हारने के बाद राइन परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन खत्म हो गया बेटे, राइन परिसंघ समाप्त हो गया। रामजी कुमार समझ में आ रहा है? रामजी भाई समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा टफ है, यूरोप का इतिहास है ये, इसलिए हमने इसकी पीडीएफ बनवा के पढ़ा रहा हूं, जिससे कि थोड़ा पॉइंट्स आपको मिल जाए। पीडीएफ डाउनलोड करवा देंगे और फिर पीडीएफ आप देख लेना, इससे आप समझ लेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से। रामजी कुमार हैं या चले गए? बोलें भाई, रामजी कुमार हैं लाइन पे? हो रामजी कुमार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बाकी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रहा है बेटे? चलिए आगे हम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से बेटे नेपोलियन जर्मनी के एकीकरण के लिए राइन, लीग ऑफ राइन राइन बनाया। 39 में से 16 स्टेट थे इसमें, लेकिन नेपोलियन के हार जाने के बाद लीग ऑफ राइन्स समाप्त कर दिया गया था, यह समाप्त हो गया था। अब आप ये देखें, नेपोलियन के युद्धों के प्रभाव, अब जो नेपोलियन ने युद्ध लड़ा उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? यूरोप के नेपोलियन की अधीनता, यूरोप में नेपोलियन की अधीनता राइन के परिसंघ के गठन के बाद जर्मनी राज्यों ने महसूस किया कि छोटे
और राजनीतिक रूप से विभाजित होने का मतलब मजबूत हमलावरों की प्रति संवेदनशीलता शील होना। राज्यों को यह एहसास था कि उन्हें आम रक्षा के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। तो देखें तो नेपोलियन के अधीन जितने भी राज्य थे, 39 राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, उनको यह महसूस होने लगा किसी ताकतवर देश के खिलाफ वो कमज़ोर हैं। अगर वो 39 स्टेट एक हो जाएं, तो स्ट्रांग हो जाएंगे। उनमें ये भावना घर करने लगी। इसलिए नेपोलियन के हार जाने के बाद जर्मनी के राज्य एक होकर के, जर्मनी के सभी राज्य इकट्ठा होकर के आपस में संवेदनशीलता डेवलप करने लगे। इनके आपस में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी। और दूसरा पॉइंट आप देखें, जर्मन राजकुमारों ने नेपोलियन की सेना को जर्मन क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, सेनाओं को जुटाने में मदद करने के लिए जर्मन आबादी में राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा। जर्मन के लोगों को एक करने के लिए, जर्मन क्षेत्र से नेपोलियन की सेना को निकालने के लिए, राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए यह जर्मन विश्वविद्यालयों के भीतर राष्ट्रवादी समाजों के विकास के द्वारा सहायता प्राप्त थी। इस तरह से विश्वविद्यालयों में भी जर्मनी की राष्ट्रीयता या एकीकरण के लिए, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1813 में लीपजिंग की लड़ाई में मित्र देशों की जीत आंशिक रूप से जर्मन राज्यों के बीच सफल राजनीतिक और सैन्य सहयोग का परिणाम थी। आंशिक रूप से ही कह सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट लीपजिंग में हार गया, वाटरलू की लड़ाई में हार गया, इससे जर्मन राज्यों के बीच सफल राजनीतिक और सैन्य सहयोग का परिणाम कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से जर्मनी के राज्यों को एक करने में नेपोलियन की हार एक प्रमुख कारण था। नेपोलियन की हार से सीखे गए सबक मजबूत राष्ट्रवाद की ओर जो अंततः उसे भड़काने के लिए उकसाया गया, उसने एक आम जर्मन पहचान की भावना को मजबूत करने मदद किया। नेपोलियन की हार ने जर्मनी के लोगों को एक आम जर्मन के रूप में डेवलप किया था। ये जोहान गोटलिब फिचे, तो इनका भी योगदान है। राष्ट्रवादी थे, जर्मनी को एक करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना इन्होंने डेवलप किया। लोगों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जोहान गोटलिब फिचे राज्यों की पहली मूल सही मायने में प्राकृतिक सीमाएं उनकी आंतरिक सीमाओं पर संदेह से परे। द फर्स्ट ओरिजिन ट्रूली नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आर बियॉन्ड डाउट देयर इंटरनल बाउंड्रीज। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। इन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को भरने प्रारंभ किए। ये वियना कांग्रेस बेहद इंपॉर्टेंट कांग्रेस थी। और इसको आप देखें, वियना की कांग्रेस जर्मन परिसंघ 1815 में वियना की कांग्रेस में संबद्ध सेनाओं ने राइन के परिसंघ को भंग करने का फैसला किया। 1815 में वियना कांग्रेस में ये संघ, राइन के परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन्स को समाप्त करने का फैसला लिया था बेटे। जर्मन राज्यों ने जर्मन परिसंघ बनाया, राइन परिसंघ की जगह, जिसे बुंड के नाम से भी जाना गया है, बुंड, BUND। तो वियना कांग्रेस 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने राइन कॉन्फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया बेटे, इसको डिसॉल्व कर दिया, इसकी जगह जर्मन स्टेट का एक संघ बनाया गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स, जिसको ये कहा गया है।
बुंड कहा गया है। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इसी में आगे एक पॉइंट और देखें, इसने वीना कांग्रेस ने, इसका मतलब इसने मतलब वीना कांग्रेस ने सदस्यों की रक्षा करने का लक्ष्य रखा। वीना कांग्रेस ने सदस्य देशों की रक्षा करने का लक्ष्य रखा, उन्हें यूरोप में एक मजबूत आवाज दी, यानी सदस्य देशों को एक मजबूत आवाज दिया यूरोप में, इसका एक डाइट यानी संसद, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल नहीं किया गया क्योंकि निर्णयों में एकमत होना पड़ा, निर्णयों को एकमत होना पड़ा, निर्णय जितने भी लिए गए एकमत टाइप का निर्णय लिया गया। ये है वीना कांग्रेस की एक झलक, वीना कांग्रेस। तो बेटे वीना कांग्रेस ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1815 में वीना कांग्रेस हुआ था। वीना कांग्रेस में सदस्य देशों ने एकमत होकर के एक सामूहिक निर्णय लिया था, और वीना कांग्रेस में नेपोलियन के हार के बाद का निर्णय था, जिसमें संसद बनाने की भी बात कही गई थी, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को समाप्त कर दिया गया, जर्मन स्टेट का संघ बनाया गया जिनको बुंड कहा गया। तो जर्मनी के एकीकरण में, जर्मन यूनिफिकेशन के एकीकरण में कांग्रेस, वीना कांग्रेस का भी योगदान है। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आप देखें फ्रांसीसी क्रांति से पहले 300 से अधिक जर्मन राज्य थे, ठीक है, फ्रांस की क्रांति भी हुई थी ना 1789 में, फ्रांस की क्रांति बता चुके हैं 1789 में। फ्रांस की क्रांति से पहले जर्मनी में 300 से अधिक राज्य थे, बाद में जब फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता में आया तो उसने जर्मनी में 300 से कम करके राज्यों की संख्या 39 कर दिया था। 39 में से 16 राज्य ऐसे थे जिन्हें मिला करके कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन्स बनाया गया। बाद में वीना कांग्रेस के पश्चात कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन्स को समाप्त कर दिया गया, और कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन्स की जगह जर्मन स्टेट्स कॉन्फेडरेशन बनाया गया था जिसको बूंदी कहा गया। तो फ्रांस की क्रांति से पूर्व जर्मनी में 300 से अधिक राज्य थे। देखिए प्रशा यानी प्रशिया को प्रशा भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया सबसे बड़े थे इनमें, ऑस्ट्रिया भी एक राज्य के रूप में था, सबसे बड़े प्रशा और ऑस्ट्रिया थे। जर्मन राज्यों की कम संख्या ने इन जर्मन राज्यों के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। कम राज्य माने 300 स्टेट थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना लोगों में डेवलप किया था। ये है फ्रांस की क्रांति से पहले, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है बेटे, पूरा ये जो देख रहे हैं आप ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। और इसके बाद बेटे ये प्रशा है ऊपर, प्रशा ये सारा प्रशा में आता है, ये ऊपर सारा प्रशा है, ये बेटा सब प्रशा के अंडर में आता है। और इसके बाद ये है, ये सारा सेक्शनी है, सेक्शनी ये स्टेट सारा सेक्शनी में आता है, इधर फ्रांस है और फिर इधर रशिया है, ये रशा है, और इधर ये इटली है बेटे। बाकी जर्मनी अगर कुल मिला के देखें तो ये यही इतना जर्मनी था इस समय। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़े बैरियर क्या थे, बाधाएं क्या थी, समस्याएं क्या थी। ऑस्ट्रिया बनाम प्रशा, ऑस्ट्रिया प्रशा में आपस में जमी नहीं, तो बेटे ऑस्ट्रिया प्रशा
सबसे बड़ी समस्या इसमें यही थी, ऑस्ट्रिया और प्रशा, जैसे कि हमने आपको भी दिखाए हैं, ऑस्ट्रिया प्रशा फिर से दिखा देते हैं, ये ऑस्ट्रिया और प्रशा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या थी ऑस्ट्रिया और प्रशा। तो आप देखिए ये ऑस्ट्रिया है, ये सारा ऑस्ट्रिया है और ये है प्रशा, सबसे बड़ी समस्या ये दोनों थी जर्मनी को इकट्ठा करने में। ऑस्ट्रिया के पास अधिकांश पार्ट था जर्मनी का और प्रशा के पास भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जो जर्मनी का पार्ट है वो ऑस्ट्रिया के पास बना रहे, प्रशा चाहता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी वाले पोर्शन को छोड़ दे और छोड़कर हट जाए, जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए। तो ये ऑस्ट्रिया है बेटे, तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि उससे जर्मनी का पोर्शन छीना जाए, इसलिए ऑस्ट्रिया और प्रशा में सबसे बड़ा झगड़े का कारण यही है। ठीक है, तो आगे और देखें, जर्मनी ऑस्ट्रिया प्रशा में समस्या, ये प्रमुख कारण था, सबसे बड़ा बैरियर था। छोटे राज्यों के शासकों ने एकीकृत जर्मनी में सत्ता के नुकसान की आशंका जताई। छोटे राज्यों ने अपने अस्तित्व को देखा कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। छोटे राज्यों ने सोचा कि उनका जो अस्तित्व है खत्म हो जाएगा ना, रूलर्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स फियर्ड लॉस ऑफ पावर इन अ यूनाइटेड जर्मनी, प्रमुख समस्या ये भी था। 39 छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों को सबसे बड़ी समस्या ये थी, उनके पास से उनकी सत्ता चली जाएगी। आगे है और समस्या, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड एग्रीकल्चरल ईस्टर्न स्टेट्स, एक और समस्या बेटे। पश्चिम के जितने स्टेट थे औद्योगिक स्टेट्स थे ना, और ईस्ट के जितने स्टेट थे वहाँ कृषि ज़्यादा होता था, तो ये भी एक समस्या थी। वेस्ट के जितने स्टेट थे औद्योगिक स्टेट्स थे जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे थे, ईस्ट के जितने स्टेट थे कृषि प्रधान देश थे, तो इसमें ईस्ट वाले राज्यों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था, यह भी एक समस्या थी बड़े। पश्चिम औद्योगिक राज्य और कृषि पूर्व राज्यों के बीच आर्थिक अंतर था, बड़ा डिफरेंसेस था कृषि में। और एक समस्या क्या आई बेटे, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, यह भी एक और समस्या है, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट, ये कैथोलिक का फ्लैग है और ये प्रोटेस्टेंट का फ्लैग है, प्रोटेस्टेंट विरोधी वाले इस तरह का फ्लैग और ये कैथोलिक वाले, कैथोलिक फ्रांस और इटली के रोम में कैथोलिक चर्च ज़्यादा डोमिनेटेड थे। तो यहाँ देखिए एक समस्या ये भी था बेटे, जर्मनी स्टेट्स हैड वंस शेयर्ड द कैथोलिक रिलीजन बट दिस चेंज्ड आफ्टर द रिफॉर्मेशन। जर्मन स्टेट्स कैथोलिक रिलीजन था लेकिन रिफॉर्मेशन के बाद यानी सुधार के बाद जर्मनी के कैथोलिक रिलीजन में परिवर्तन आने लगा था बेटे। जर्मनी के राज्यों ने एक बार कैथोलिक धर्म को साझा किया था लेकिन सुधार के बाद यह बदल गया, यानी प्रोटेस्टेंट जब आए तो कैथोलिक मतावलंबियों के मानने वाले लोग प्रोटेस्टेंट का साथ देने लगे, कैथोलिक का बोलबाला जर्मनी से टूटने लगा, कम होने लगा। जर्मनी बिकेम डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो पार्ट्स में जर्मनी में विभाजन हो गया। एक और समस्या है, नॉर्दर्न स्टेट्स टेंडेड टू बी प्रोटेस्टेंट, ये यानी उत्तर के राज्य जो थे प्रोटेस्टेंट थे और साउथ के राज्य जो थे वो कैथोलिक थे, ये समस्या। वैसे जैसे वेस्टर्न स्टेट्स औद्योगिक राष्ट्र थे ना, ईस्टर्न स्टेट्स कृषि प्रधान राष्ट्र थे, इसी तरह से नॉर्दर्न में प्रोटेस्टेंट का बोलबाला था, उत्तर के राज्यों में कैथोलिक
का बोलबाला था। आप देखिए, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट प्रशा करता था, कैथोलिक का सपोर्ट ऑस्ट्रिया करता था, ये समस्या थी बेटे। एकीकरण में ये समस्या आने लगी थी। अब आप देखिए, इसमें नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न और सदर्न मैप में अगर आप यूं देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना, तो ये नॉर्दर्न स्टेट्स यानी जो प्रशा, प्रशा ये है पूरा बेटे, प्रशा, ये सारा स्टेट प्रशा में लगाता है बेटे, यहाँ से ये सारा प्रशा के अंडर में था, ये सब ये प्रशा वाले स्टेट्स हैं सारे। प्रशा उत्तर के राज्यों में और इधर जो बाकी राज्य थे सदर्न में, बवेरिया में, वॉर्ट में, और इन सब में कैथोलिक था। कैथोलिक का सपोर्ट ऑस्ट्रिया ने किया था। ऑस्ट्रिया का मैप अगर आप देखें तो ये है इसका मैप। जबरदस्ती ऑस्ट्रिया ने इन पर अपना कब्जा जमा रखा था बेटे, ये सारे स्टेट पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो दो ही देश थे, प्रशा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अपना देश के अलावा जर्मनी के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा था। तो पर्शियन टेरिटरी है, ये वाले पर्शियन टेरिटरी है बेटे, और ये ऑस्ट्रियन टेरिटरी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं इस टाइप में, सब ऑस्ट्रिया वाले हैं, और ये प्रशा वाले हैं, प्रशा वाले स्टेट्स हैं। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट, और देखिए विचारों का विरोध, अब देखिए विचारों का भी विरोध स्वाभाविक एक समस्या बन के आई। ग्रॉस डिस्कलैंड, ग्रॉस डिस्कलैंड इसका मीनिंग है बड़ा जर्मनी। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य सहित एक जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रिया और बड़ा जर्मनी तो किसके पास था, विचारों को। ग्रॉस डिस्कलैंड बड़ा जर्मनी ऑस्ट्रिया के अंडर में था, और क्लेंडस्टलैंड ये लिटिल जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को छोड़कर एक जर्मनी, प्रशिया वाले कह सकते हैं। तो बड़ा जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया के अंडर में था, छोटा जर्मनी था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को छोड़कर। तो ये समस्याएं हम आपको और बता रहे हैं। आप देखिए जोलवरिन जर्मनी, जर्मन फ्रीट व्यापार समझौता, आर्थिक राजनीतिक। देखिए जोलवरिन क्या कहलाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये है मैप, छोड़िए इसको। जोलवरिन अधिकांश मौजूद व्यापार 39 राज्यों के भीतर और बीच आयोजित किए जाते थे। जर्मनी के जो व्यापार थे अधिकांश आपसी व्यापार होते थे। बढ़ते उत्पादन और बेहतर परिवहन के साथ व्यवसायों ने अपने माल के लिए उपलब्ध बाजारों में वृद्धि करके लाभ को अधिकतम कमाने की कोशिश किया। लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, यह प्रयास किया था। और आगे बढ़ते हैं जेवलिन में। 1818 में प्रशिया ने अपने क्षेत्रों के भीतर व्यापार शुल्कों को समाप्त कर दिया और आयात दरों को कम कर दिया। 1818 में प्रशा ने अपने क्षेत्रों में भीतर व्यापार शुल्क खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, आयात दरों में कमी आ गई। 1820 के दशक और 1830 की शुरुआत में अन्य जर्मन राज्य इस स्वैच्छिक सीमा शुल्क में संघ शामिल हो गए। इसे ज्वेलरियन नाम दिया गया था, यही था। ज्वेलरियन का मतलब यही होता है, मेन पॉइंट यही है।
जुवेलिनियर का मतलब यही होता है बेटे, 1818 में प्रशा स्क्रैप्ड ट्रेड टैरिफ विद इन इट्स ओन टेरिटरीज, लोअर्ड इम्पोर्ट रेट्स थ्रू आउट द 1820 एंड अर्ली 1830 अदर जर्मन स्टेट्स ज्वाइन दिस वॉलंटरी कस्टम्स यूनियन, दिस इज बिकम नोन एज द जेल यूनियन। तो इस तरह से बेटे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और 1836 में 39 राज्य जर्मन राज्यों में से 25 इस आर्थिक गठबंधन में शामिल हो गए, 25 शामिल हो गए इतने में से। इससे संकेत मिला कि एक अधिक स्थायी राजनीतिक संघ लाभकारी हो सकता है। इतिहासकार विलियम कैरी ने जेलवरिन को जर्मनी एकीकरण का शक्तिशाली लीवर माना। तो जेलवरिन को बेहद इंपॉर्टेंट समझा गया। जर्मनी के एकीकरण में यह टैक्स जो आयात निर्यात पर टैक्स लगा, इसको बेहद इंपॉर्टेंट समझा गया था बेटे। आगे आप देखें 1848 का क्रांतियां, इस समय में कई क्रांतियां हुई 1848 में। साम्यवाद जर्मन क्रांति तक पहुंचता, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मन क्रांतियां होती। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पैन जर्मन संसद, संविधान फिर इसके बाद लाया गया। साम्यवाद जर्मन उत्क्रांति तक पहुंचता। नेशनलिज्म रीचेस एसेंडेंसी, जर्मन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, माने नेशनलिज्म की वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना हुआ, पैन जर्मन पार्लियामेंट की स्थापना हुआ, पहली पार्लियामेंट थी ये। तो साम्यवादी जर्मन उत्क्रांति तक पहुंच गया, साम्यवादियों ने क्रांति को उत्कर्ष पर पहुंचाया, जिसका परिणाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आया, पैन जर्मन संसद, प्रथम संसद बुलाई गई। अब उसके बाद संविधान और फिर उदारवाद, उदारतावाद। उदार विचारकों ने एक निरपेक्ष सम्राट द्वारा पूरी तरह से सत्ता में रहने के बजाय कानूनों को पारित करने और देश को चलाने के लिए एक निर्वाचित संसद के विचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने बोलने की स्वतंत्रता और सेंसरशिप की समाप्ति का भी समर्थन किया। तो ये ही पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान लाया गया। और इस संविधान में क्या क्या व्यवस्था किया गया, स्वतंत्रता के विचार रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए सेंसरशिप को हटा दिया गया। सेंसरशिप का मतलब जानते ही हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रशियन किंग, प्रशा के राजा, ये वही फोटो है पीछे हमने दिखाया है, प्रशा के किंग फ्रेडरिक महान है ये, फ्रेडरिक विलियम फोर या फ्रेडरिक द ग्रेट कहा जाता है। फ्रेडरिक विलियम फोर ने एकीकृत जर्मन साम्राज्य के ताज की पेशकश किया। फ्रेडरिक विलियम फोर ऑफर्ड द क्राउन ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी एम्पायर, कि जर्मनी एक हो जाए उसके लिए वह अपना क्राउन त्याग देंगे। राहुल कुमार बीपीएससी पीटी एग्जाम में 92 प्लस नंबर का है, सर मेरा आंसर कीज मिलने पर फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ। सर 92 प्लस तो अच्छा है बेटे। राहुल कितने में से 92 किए हैं, 92 प्लस कितने में से राहुल बताएं बेटे। हैंडीकैप हैं ठीक है, लेकिन कितने में से 92 प्लस है। में बेटे ठीक है, बहुत अच्छा है फिर तो, 92 प्लस तो ठीक ही है, हैंडीकैप है तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा, और जनरल की वैसे बहुत ज़्यादा जाएगी तो 110 जाएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी जाएगी। जनरल की 110 से ऊपर नहीं जाएगी। आपने 92 प्लस किया तो आपके लिए ठीक है, आपका तो बहुत अच्छा जाएगा।
ओबीसी भी हैं तब तो और फायदा है, ओबीसी का बेनिफिट में हो जाएगा फिर आपका इसमें। हो जाना चाहिए राहुल। तो आंसर की कब आई? आ जाइए कल आई। दो दिन हो गया, ठीक है, तैयारी कर बेटे, तब तो अच्छा है, चांस तेरा बढ़िया है, फायदा मिल जाएगा तुम्हें, हो जाना चाहिए फिर तो। तो जर्मनी का एकीकरण बता रहे हैं, अब हम फ्रेडरिक द ग्रेट के बारे में बताएं। फ्रेडरिक विलियम फोर ऑफर्ड द क्राउन ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी, जर्मन एम्पायर के। अच्छा राहुल, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल तो ठीक है, अच्छा है फिर तो। चल बेटे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, जर्मनी का एकीकरण। यहाँ पर आइए, प्रशा का किंग फ्रेडरिक महान ने यह कहा कि वह जर्मनी के एकीकरण के लिए अपना क्राउन भी त्याग देंगे, मतलब वो चाहते थे कि पूरा जर्मनी इकट्ठा हो जाए। जर्मनी जहाँ 39 स्टेट्स थे, वो अलग अलग स्टेट अलग अलग प्रभाव में थे, बेसिकली ऑस्ट्रिया के प्रभाव में कुछ स्टेट थे और कुछ स्टेट प्रशा के प्रभाव में थे। वे सारे स्टेट चाहते थे, प्रशा चाहता था कि जर्मनी का सारा स्टेट एक हो जाए। इवन जर्मनी के किंग फ्रेडरिक द ग्रेट ने यह भी ऑफर किया कि वो अपना क्राउन त्याग देंगे, यानी अपनी सत्ता त्याग देंगे जर्मनी को एक करने के लिए। चलिए जर्मनी एकीकरण का प्रस्ताव, अब आप देखिए जर्मनी एकीकरण के प्रस्ताव में शाही विशेषाधिकार की सीमा के साथ प्रशिया के फ्रेडरिक विलियम फोर ने सिंहासन की पेशकश को ठुकरा दिया, वही जो अभी आपको बात बताए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने अपनी सिंहासन को भी पेशकश को ठुकरा दिया। अब साइन अप थिंग्स ऑफ कम इन 1859, 1859 में आने वाली चीजों के संकेत, तो देखते हैं क्या संकेत हैं। 1859 उत्तरी इटली, इतालवी मतलब इटली, इटली इतालवी का मतलब होता है, उत्तरी इटली युद्ध में फ्रांस और पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हराया। आप जानते हैं इटली के एकीकरण में फ्रांस और पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। पिडमोंट इटली का एक स्टेट था जो इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस का साथ लिया था, सार्डिनिया पिडमोंट के नाम से हमने आपको बताया था। ये इटली के एकीकरण में दोनों इकट्ठा हो गए थे बेटे, ये दोनों इकट्ठा होकर के ऑस्ट्रिया को हराया था। इससे फायदा क्या हुआ कि जर्मनी के एकीकरण में चार चांद लग गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास जर्मनी के अधिकांश स्टेट थे, जर्मनी के अधिकांश स्टेट ऑस्ट्रिया के पास थे, फ्रांस और पिडमोंट ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, इससे जर्मनी के स्टेट को फायदा हुआ। लोकप्रिय अशांति पूरे साम्राज्य में बढ़ती है, अशांति को वापस लेने के लिए फ्रेंच जोसेफ एक ऐसे संविधान से सहमत हैं जो संसद की स्थापना करता है। अब आप देखिए जर्मनी में अशांति बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ रही थी, लेकिन फ्रेंच जोसेफ एक संविधान के पक्ष में थे और वो संविधान ऐसे संविधान हो जिसमें संसद की स्थापना किया जाए, मतलब किंग के पावर को हटा दिया जाए, जर्मनी में एक संसदीय प्रणाली लाया जाए। इसके लिए फ्रेंच जोसेफ एक क्रांतिकारी थे, वे सहमति जताते हैं। और फिर आगे क्या होता है देखिए, एक बार हम फिर इटली का मैप आपको दिखा देते हैं। ये है, ये पूरा रशिया है, देख रहे हैं ये पूरा रशिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रशिया है ये, और ब्रिटेन, और इसके बाद एक देखिए
ये प्रशा है, प्रशा जर्मनी का ही पार्ट था, प्रशा जर्मनी का ही पार्ट था, और ये सेक्शनी है, जर्मनी के अंडर में किंगडम था, हैनोवर भी जर्मनी के स्टेट थे, और होलस्टेन भी था, होलस्टेन के ऊपर यह भी जर्मनी का ही पार्ट था, हैसी ये भी जर्मनी का ही पार्ट था, तो जर्मनी के अलग अलग स्टेट थे बेटे। अब देखिए ये सैक्सनी किंगडम ये ऑस्ट्रिया के अंडर में था, यहाँ भी ऑस्ट्रिया का पार्ट था, यह भी ऑस्ट्रिया था, रशिया के पास जानते हैं प्रशा के पास क्या था, प्रशा के पास रशिया का भी काफ़ी बड़ा भाग था, तो ये और ये सारे स्टेट जो थे हैनोवर के पास था, तो जर्मनी के जितने भी स्टेट थे अलग अलग किंगडम के अंडर में थे बेटे। यहाँ देखें ये प्रशा के फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ टूट गए थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ बहुत परेशान थे, टूट गए थे, ब्रेक हो गए थे, प्रधानमंत्री के रूप में ऑटोवान बिस्मार्क की नियुक्ति किया, अपॉइंटेड ऑटोवान बिस्मार्क एज इज प्राइम मिनिस्टर, ऑटोवान बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो ऑटोवान बिस्मार्क ने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एडॉप्ट किया था, लौह एवं रक्त की नीति एडॉप्ट किया था, और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के प्राइम मिनिस्टर थे ये, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का बहुत बड़ा योगदान है, और ऑटोवान बिस्मार्क का भी बड़ा योगदान है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के कारण इनको वर्ल्ड में आयरन मैन कहा गया है, विश्व में लौह पुरुष ऑटोवान बिस्मार्क को कहा गया है, तो प्रशा के थे ये ध्यान रखें, और वैसे ऑटोवान बिस्मार्क वांटेड टू अ यूनिफाइड जर्मनी बट विद प्रशियन डोमिनेंस, ऑटोवान बिस्मार्क को प्रशिया प्रभुत्व के साथ एकीकृत जर्मनी चाहिए था, मतलब ऑटोवान बिस्मार्क यही चाहते थे कि पूरा जर्मनी इकट्ठा हो जाए, और उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट किया था, पॉलिसी ब्लड एंड आयरन, जिसके अंडर में इन्होंने प्रशा की सेना लेकर के 39 जर्मन स्टेट्स जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव ज़्यादा था एक करने का इन्होंने प्रयास किया, वीणा उठाया, और कुल मिलाकर ऑटोवान बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान है, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है, भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है, क्योंकि 500 से ज़्यादा रियासतों को इन्होंने भारत में शामिल किया था, इसी तरह ऑटोवान बिस्मार्क ने जर्मनी के 39 स्टेट्स को एक शासन सूत्र के अंडर में ले आके बांधा, तो याद रखें ऑटोवान बिस्मार्क, इनका एक पिक्चर भी है ये देखें, ऑटोवान बिस्मार्क इनके नाम, ये ऑटोवान बिस्मार्क है, और ये प्रशा के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रशा के किंग फ्रेडरिक द ग्रेट। अब बिस्मार्क के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे ये आप देखें, क्या चैलेंजेस थे इनके सामने, कई सारे चैलेंजेस थे, और इन चैलेंजेस को इन्होंने बड़ी बाखूबी से सामना किया। बिस्मार्क के सामने चुनौतियाँ, एक तो समाजवाद, सबसे बड़ी चुनौती थी समाजवाद, यानी सोशलिस्ट या सोशलिज्म, यानी इन्होंने समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी पर बैन लगा दिया, बैन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर बैन न लगाते तो ये जर्मनी को एक न कर पाते, तो इन्होंने एक तो इस पे बैन लगा दिया, दूसरा और क्या इनके सामने चैलेंज था बेटे, यूरोप का पहला समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किया समाजवादी पार्टी ने, यूरोप में समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किया, जैसे स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, एक तो ये समस्या आपको समाजवादी समस्या जो अभी आपको बताएं, दूसरी समस्या हाउ टू काउंटर लिबरल, उदारवादियों का मुकाबला कैसे करें, अब इनके सामने ऑटोवान बिस्मार्क के सामने दूसरी समस्या थी, ये उदारवादी नेता थे, ये उदारवादी विचारक है,
तो इनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए अटोन बिस्मार्क ने क्या किया, तो कोल्टर कंफर्ब संस्कृत संघर्ष के लिए जर्मन, जर्मनी के इतिहासकार 1871 से लगभग 87 की अवधि के लिए दिया गया नाम था कोल्टर, कोल्टर यहाँ से देख लो, कोल्टर कैंप, कोल्टर कैंप, जर्मन फॉर कल्चर स्ट्रगल, जर्मनी के सांस्कृतिक संघर्ष के लिए बनाया गया नाम दिया गया था कोल्टर, कोल्टर कैंप वाज द नेम गिवन टू अ पीरियड इन जर्मन हिस्ट्री, इतने से इतने के बीच में कोल्टर, कोल्टर्न कैंप नाम दिया गया था, वेयर द जर्मन चांसलर ऑटोन बिस्मार्क सॉट टू सब्जेक्ट द रोमन कैथोलिक इन जर्मनी टू स्टेट कंट्रोल एंड गवर्नेंस, जहाँ ऑटोन बिस्मार्क चाहते थे कि रोमन कैथोलिक गवर्नेंस के अंडर में आ जाए। बिस्मार्क क्या चाहता था, जर्मन चांसलर ऑटोन बिस्मार्क ने जर्मनी में रोमन कैथोलिक को राज्य नियंत्रण और शासन के अधीन करने की मांग किया, इसके अंडर में ऑटोन बिस्मार्क ने, याद रखें ऑटोन बिस्मार्क ने रोमन कैथोलिक जो कि बड़े ही कंजर्वेटिव थे, राज्य के नियंत्रण में और शासन के अधीन करने की मांग किया था, इसी को कहते हैं कोल्टन, कोल्टर कैंप, कोल्टर कैंप, स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा, कोल्टर कैंप। तो बेटे समझ गए कोल्टर कैंप, कोल्टर कैंप का मतलब 1871 से 1887 के बीच जर्मन इतिहास में इस अवधि के लिए नाम दिया गया है कोल्टर कैंप, जहां पर सांस्कृतिक संघर्ष के लिए जर्मनी का नाम दिया गया, जिसमें रोमन कैथोलिक को राज्य के नियंत्रण में शासन के अधीन करने की मांग ऑटोन बिस्मार्क ने किया था, और एंटी चर्च एंटी कैथोलिक नीतियां लिबरल्स को खुश कर दिया, एंटी चर्च एंटी कैथोलिक नीतियां उदारवादियों को खुश कर दिया बेटे, उदारवादी समर्थित यानी उदारवादियों ने समर्थन दे दिया वो ऑटोन बिस्मार्क को, उदारवादियों ने समर्थन क्यों दिया ऑटोन बिस्मार्क को, क्योंकि कैथोलिक को राज्य के नियंत्रण के अंडर में लाने की सिफारिश किया था, मांग किया था। अच्छा इसके आगे आप देखिए औद्योगिक, औद्योगिकरण, अब देखिए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो डिड बिस्मार्क, बिस्मार्क ने किया था औद्योगिकरण का, प्रशा में जर्मनी प्रशिया के उदारवाद की ओर नहीं बल्कि अपनी शक्ति की ओर देखता था, जर्मनी प्रशा को उदारवाद की ओर नहीं बल्कि शक्ति की तरफ, पावर की तरफ देखता था, इसलिए जर्मनी के ऑटोन बिस्मार्क ने साम्यवादियों को खत्म किया, उदारवादियों को बढ़ावा दिया, उदारवादी ऑटोन बिस्मार्क का समर्थन करने लगे, भाषणों प्रमुखतया से नहीं, दिन के महान प्रश्न तय किए जाएंगे, लेकिन आयरन और रक्त, ऑटोन बिस्मार्क की यह नीति थी, आयरन और रक्त, ब्लड एंड आयरन, ये ऑटोन की पॉलिसी थी कि जो भी जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा ऐसे व्यक्ति को ऑटोन बिस्मार्क अपनी तलवार से मृत्युदंड देगा, जिससे कि जर्मनी के एकीकरण में कोई भी रुकावट ना आए, ऐसी सरकार चाहता था जो संसदीय हो लेकिन साथ ही सत्तावादी नीतियों को अनुमति दे, भाई संसदीय प्रणाली हो, सत्तावादी भी हो, नीतियों की अनुमति भी दे। संसद ने तब तक बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी सेना के सुधारों को राजा द्वारा अनुमोदित न किया गया हो, ऐसी संसद हो जब तक राजा अनुमोदित न करे सुधारों के लिए, ऐसी एक संसद बने जिसमें राजा को अनुमोदन करने का अधिकार दे, राजा को पावर न दे केवल अनुमोदन का अधिकार दे। बिस्मार्क सरकार, बिस्मार्क और सरकार करों को इकट्ठा करना जारी रखा, सेना को पहले की तरह कर एवं निधि देता रहा, क्रीमियन युद्ध में हारने उन्हें महाद्वीपीय राजनीति से दूर रखा, क्रीमियन युद्ध में रशिया की हार हुई थी,
ब्रिटेन आंतरिक सुधार के बारे में चिंतित था। नेपोलियन थर्ड को उम्मीद था कि एक आंतरिक जर्मन गृह युद्ध ने उसे राइन पार फ्रांसिस साम्राज्य के विस्तार करने दिया जाएगा। नेपोलियन थर्ड ये फ्रांस का किंग था। नेपोलियन थर्ड जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का राजा था। ब्रिटेन आंतरिक सुधार के बारे में चिंतित था। जर्मनी के आंतरिक सुधार के बारे में ब्रिटेन चिंतित था। नेपोलियन को उम्मीद था कि एक आंतरिक जर्मन गृहयुद्ध ने उसे राइन के पार फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने दिया जाएगा। यानी फ्रांस का किंग नेपोलियन थर्ड चाहता था कि जर्मनी में गृहयुद्ध चलेगा, इससे फायदा फ्रांस को होगा, साम्राज्य उसका बढ़ेगा। तो इस तरह से बेटे ये बातें आई। और फिर यहां आप देखें, सिलेस्वेज वार प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच, प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया बनाम डेनमार्क, डेनमार्क होगा ये डेनमार्क होगा बेटे, इसको स्पेलिंग मिस्टेक है, डेनमार्क। प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया डेनमार्क के खिलाफ लड़े थे। 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था, है ना, ये सेल्सवेज वार ये डेनमार्क के साथ हुआ था और इसमें प्रशा ऑस्ट्रिया एक साथ हो गए थे। डेनिश ने ड्यूक के रूप में सिलेसिंग और होलस्टीन पर शासन किया। ये प्रांत जातीय रूप से जर्मनी के थे। डेनमार्क ने स्लेस्विग को देश में छोड़ दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना पैदा हो गई। विलियम फर्स्ट ने फ्रांज जोसेफ को संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। फ्रांज जोसेफ ये जर्मनी का था। बिस्मार्क का रोल क्या था जर्मनी के एकीकरण में? बिस्मार्क वह व्यक्ति था जिसने अधिकांश फ्रांसीसी कार्यों को अंजाम दिया और इसलिए युद्ध को उकसाया। उसने फ्रांस को ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करने के लिए राजी किया। फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद न करे और फिर वह स्थित बनाई जहां दक्षिण जर्मन उसकी सुरक्षा चाहते थे। तो ऑटोन बिस्मार्क ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि फ्रांस को ऑस्ट्रिया की मदद ना मिले। अगर फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा तो इससे प्रशा को नुकसान होगा। चलिए ऑटोन बिस्मार्क को जर्मन साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है बेटे। जर्मन साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं। 1871 से 1890 तक जर्मनी का पहला चांसलर यही था। इसी के अंडर में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 को विलियम फर्स्ट ने वर्साय में जर्मनी के सम्राट की घोषणा किया। विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ जर्मन एट वर्साइल्स। यानी विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग डिक्लेयर किया गया और ऑटोन बिस्मार्क को जर्मनी का पहला चांसलर डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरह जर्मनी का एकीकरण ऑटोन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ये है जर्मन पार्लियामेंट। और इसके बाद बेटे जर्मनी के एकीकरण के बाद आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार आएगा। तो आगे जर्मनी का एकीकरण फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ ले गया। तो आगे हम यही टॉपिक बताएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली अमेरिका और दूसरी तरफ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन साम्राज्य बल्गारिया भी था। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण, 18 क्या डेट था इसमें, इसकी डेट ये है 18 जनवरी 1871 में इस डेट को जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसमें विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बनाया गया और ऑटोन बिस्मार्क को पहला चांसलर बनाया गया और जर्मनी का एकीकरण प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट बताएंगे बेटे। बताइए क्लियर हुआ राहुल? बेटे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, टफ है थोड़ा सा।
फर्स्ट वर्ल्ड वार नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है राहुल? ये हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, पीडीएफ पढ़ते रहिए कई कई बार, और वीडियो भी सुनते रहिए। तो अगले क्लास में हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटे? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।